नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। फिर आंदोलन की पटरी पर लौटे पारा शिक्षक। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में आगामी सत्र के क्रम में राज्य के 65,000 पारा शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम 5 दिनों का होगा, जिसमें प्रतिदिन 4 से 5 जिलों के पारा शिक्षक शामिल होंगे। पारा शिक्षकों के अनुसार सरकार जिस प्रकार की शिथिलता उनके कार्य को लेकर दिखा रही है, इसके लिए आवश्यक है कि वे अपने आंदोलन के कार्यक्रम को बनाए रखें और सरकार पर दबाव डालते रहें। बता दें आपको कि पारा शिक्षकों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन के बाद प्रस्तावित वादा पूरा करो कार्यक्रम के तहत बीते 10 फरवरी को होने वाले मुख्यमंत्री आवास के घेराव के कार्यक्रम को बजट सत्र की पूर्व संध्या तक स्थगित करने का फैसला लिया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार पारा शिक्षकों के आंदोलन को टालने के लिए आश्वासन देने का काम कर रही है, क्योंकि पारा शिक्षकों की माने तो सरकार ने उनके कार्य को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।